नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंडिया स्पिरिचुअल में। दोस्तों, ज्योतिष में हल्दी का संबंध बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति को देवों का गुरु माना जाता है। कई बार कुंडली में बृहस्पति के कमजोर होने से जीवन में तमाम समस्याएं आती हैं। गुरुवार के दिन अगर आप हल्दी के छोटे से उपाय करते हैं तो आपकी जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। हल्दी चूंकि आयुर्वेद में एक औषधि मानी जाती है और इसका सेवन करने से कई बीमारियां खत्म होती हैं, वहीं धार्मिक कार्यों में हल्दी का विशेष स्थान है। हल्दी की गांठ का प्रयोग पूजा के दौरान किया जाता है। शादी के दौरान वर और वधु को हल्दी लगाई जाती है ताकि उन्हें तमाम बाधाओं से बचाया जा सके। लेकिन ज्योतिष में हल्दी का संबंध बृहस्पति से माना गया है और हल्दी आपकी ग्रह दशा को मजबूत कर सकती है। यदि आप गुरुवार के दिन पानी में दो चुटकी हल्दी डालकर स्नान करते हैं तो बृहस्पति की स्थिति मजबूत होगी और विवाह की अड़चनें आपकी दूर होंगी और करियर में सफलता मिलेगी। पूजा के समय कलाई में या फिर गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने से बृहस्पति मजबूत होता है और बोलने की कला निपुण हो जाती है। गुरुवार के दिन हल्दी का दान करने से सेहत से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो हर गुरुवार के दिन अपने कमरों के कोने में हल्दी को छिड़के, इससे वास्तु दोष दूर होता है। यदि आप घर में किसी शुभ काम के लिए निकल रहे हैं तो हल्दी को गणपति जी को लगाने के बाद अपने मस्तक पर लगाएं, इससे आपके काम सफल होंगे और विघ्न दूर होंगे। घर की बाउंड्री की दीवार पर अगर आप हल्दी की रेखा बनाते हैं तो इससे घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। यदि आपका बृहस्पति कमजोर है तो हल्दी की माला से गुरु बृहस्पति के मंत्र या फिर नारायण का मंत्र का जाप करें, इससे व्यक्ति को विलक्षण बुद्धि प्राप्त होती है। यदि किस्मत साथ नहीं देती तो हर गुरुवार को बृहस्पति देव को हल्दी लगाएं और ओम ऐं क्लीं बृहस्पताय नमः मंत्र का जाप करें, इससे सोई हुई किस्मत जाग जाती है। तो ये हल्दी के कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको कई परेशानियों से बचा सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।